नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिकेट के बारे में। क्रिकेट जो कि अभी जैसा पता है कि वर्ल्ड कप चल रहा है, और कल के दिन में क्रिकेट में एक ऐसी घटना हुई है जो क्रिकेट के इतिहास में पहली बार इस तरीके से किसी बल्लेबाज को आउट करार दिया गया है। आज के इस वीडियो में जानेंगे इसको विस्तार से, लेकिन इन सबके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। साथ ही बगल में बेल आइकन है जिसके दबाने से हमारे चैनल से जुड़ी सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। चलिए फिर बिना ज़्यादा समय लिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल में हुआ क्या है, कल के दिन में यानी कि अगर हम बात करें तो 6 अक्टूबर को, जैसा पता होगा सभी को कि भारत में अब की बारी जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है इसकी मेज़बानी भारत कर रहा है, ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप की, और इसी दौरान 6 अक्टूबर को एक मैच हुआ किसके किसके बीच में, तो ये था श्रीलंका ठीक है और किसके बीच में, बांग्लादेश के बीच में। श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में 6 अक्टूबर को एक मैच आयोजित किया जाता है। इस मैच में होता क्या है कि जो श्रीलंका के एक बल्लेबाज है जिनका नाम है एंजेलो मैथ्यूज़, इन्हें आउट करार दिया जाता है। यहाँ तक सारी चीज़ें नॉर्मल है, बट इन्हें जो आउट करार दिया जाता है ना, यह दिया जाता है टाइम आउट की वजह से ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ठीक है, एंजेलो मैथ्यूज जो बैटिंग करने के लिए आए थे तो इन्होंने एक भी गेंद नहीं खेला, मतलब 0 बॉल 0 रन, और इन्हें जो आउट दिया गया वो टाइम आउट की वजह से इन्हें आउट दिया गया ठीक है। ना ही रन आउट, ना ही कैच आउट, ना ही स्टंप आउट ठीक है, ना ही LBW, ना ही कैच आउट, इन्हें जो आउट दिया गया वो टाइम आउट की वजह से। और यह भारत के ना केवल भारत के बल्कि क्रिकेट के इतिहास में यह पहली बार है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी बल्लेबाज को टाइम आउट की वजह से आउट दिया गया है ठीक है। इसके साथ ही जो एंजेलो मैथ्यूज हैं, ये पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अंतर्गत जो आउट दिया गया है ये दिया गया है टाइम आउट के बेसिस पर। इज दैट क्लियर? चलो यहाँ पर एक छोटा सा क्लिप मैं अटैच कर दे रहा हूँ, यहाँ पर पहले इस क्लिप को आप देख लो। ऑडियो इसलिए मैंने म्यूट कर रखा है ताकि स्ट्राइक वगैरह ना आए ठीक है, तो ऑडियो म्यूट है, बट थोड़ा सा एक क्लिप एक बार आपको ये देख लेना जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं ये पूरा मामला एक्चुअली में था क्या। देखो हुआ क्या कि 6 नवंबर को श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच मैच आयोजित किया जा रहा था। तकरीबन 25वें ओवर के दौरान ठीक है, जब एक विकेट गिरता है श्रीलंका का ठीक है, सदीरा सामा विक्रमा के रूप में ये बल्लेबाज आउट होते हैं। इसके बाद जो नए बल्लेबाज हैं जिनका नाम था एंजेलो मैथ्यूज़, ये मैदान पर उतरते हैं। लेकिन जब ये उतरते हैं ना, तो इनका जो ये जो इन्होंने जो अपना हेलमेट लगा रखा था ठीक है, वो हेलमेट इन्हें सही तरीके से आ नहीं रहा था, तो इनको बेसिकली उस हेलमेट पहनने में दिक्कत हो रही, उसके स्ट्रिप कहा जा रहा था कि वो स्ट्रिप टूट गया था लगाने के क्रम में ठीक है, तो इसमें उनको परेशानी हो रही थी। फिर उन्होंने नया हेलमेट मंगाया, और इसी दौरान क्या हुआ कि जो बांग्लादेश के कप्तान है दैट इज़ साकिब अल हसन, उन्होंने आउट की अपील की मैथ्यूज़ के रिगार्डिंग, कि जो मैथ्यूज़ है वो टाइम ज़्यादा ले रहे हैं ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग आउट की अपील की। और उस समय जो वहाँ पर अंपायर थे दैट इज़ मैरियस इरास्मस और रिचर्ड एलिंगवॉथ, इनके द्वारा मैथ्यूज़ को आउट करार दे दिया गया। अब बात आती है कि क्या ऐसा कोई नियम है जिसकी वजह से आउट दिया गया, तो बिल्कुल ऐसा एक नियम है ठीक है, जो कि ICC की जो रूल बुक है इसके अंतर्गत इसे मेंशन किया गया है। ICC का जो रूल है दैट इज़ 40.1.1, इसके अंतर्गत यह मेंशन किया गया है बाकायदा कि कोई भी विकेट गिरने या फिर बल्लेबाज के रिटायर होने के बाद आने वाले बल्लेबाज को गेंद खेलने के लिए 3 मिनट के अंदर, यानी वहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन होता है, जो नया बल्लेबाज आया है पिछला विकेट गिरा और जो नया बल्लेबाज आया है उसको 3 मिनट का एक टाइम लैप दिया जाता है, उस टाइम के दौरान ही उसे मतलब 3 मिनट के अंदर उसे अगली गेंद खेलनी होती है जो भी नया बल्लेबाज आया होता है। लेकिन वर्ल्ड कप में इस 3 मिनट के टाइम ड्यूरेशन को घटा करके 2 मिनट कर दिया गया था ठीक है, तो ये रूल है ICC के अंतर्गत, ये कोई ऐसा नहीं है कि गलत तरीके से आउट दिया गया, ये रूल है और सभी को इसको फॉलो करना होता है। लेकिन जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है कि जब तक अपोजिशन टीम के किसी भी खिलाड़ी को जब तक अपील नहीं की जाती अंपायर से आउट की, तब तक आउट नहीं दिया जाता है ठीक है। ऐसा ही एक मामला मुझे ध्यान में आ रहा है, मेरे ख्याल से शायद वर्ष 2007 का था ठीक है, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वो मैच था, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच था, और शायद सेकेंड विकेट आउट होने के बाद सौरव गांगुली आने वाले थे बैटिंग करने के लिए, और उन्हें तकरीबन 6 मिनट का टाइम लगा था इस बीच में, जबकि जो ICC का नियम है उसके अंतर्गत केवल 3 मिनट ही होना चाहिए, यहाँ 6 मिनट लगा था। बट इन्हें आउट इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि जो दक्षिण अफ्रीका के कप्तान थे उस समय में ग्रीम स्मिथ है ना, उन्होंने कोई अपील नहीं की थी, इस वजह से इन्हें आउट नहीं दिया गया था ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे की रोल प्ले करता है ना, वो यही है कि जब तक अपोजिशन टीम के द्वारा इस दौरान में अपील ना किया गया, अपील अगर नहीं करती है अपोजिशन टीम तो तब तो आउट नहीं होंगे, लेकिन अगर अपील कर दिया जाता है तो फिर आउट हो जाते हैं। इसी क्रम में जो बांग्लादेश के कप्तान हैं साकिब अल हसन, इन्हें काफ़ी ट्रोल भी किया गया कि ये काफ़ी हद तक गलत है, बट ये कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो ये ICC की रूल बुक में मेंशन कर रखा है राइट। अच्छा, साथ ही जैसा हमने बताया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अंतर्गत पहली बार है 146 वर्षों के इतिहास में, या पहली बार है जब कोई बल्लेबाज इस तरीके से आउट हुआ है ठीक है। हालांकि इससे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ये चीज़ हो रखा है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कुल 6 बल्लेबाज अब तक हैं जो कि टाइम आउट की वजह से आउट हो चुके हैं। इनमें जो सबसे पहले बल्लेबाज रहे हैं वो रहे हैं हेमालुल यादव, हेमालुल यादव पहले बल्लेबाज रहे हैं जिन्हें
टाइम आउट की वजह से आउट करार दिया गया था। यह त्रिपुरा और उड़ीसा के बीच का मुकाबला था जिसके अंतर्गत हेमूलाल यादव टाइम आउट की वजह से आउट हुए थे। लेकिन यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अंतर्गत टाइम आउट की वजह से आउट होने वाले पहले बल्लेबाज कौन है, तो नाम ध्यान रखना है कौन है, यह है एंजेलो मैथ्यूज। तो ये था हमारा आज का ये वीडियो जिसके अंतर्गत हमने बात की आईसीसी के अंतर्गत जो टाइम आउट का कॉन्सेप्ट है ये क्या है, इसको हमने जाना, टाइम आउट का नियम क्या है बेसिकली उसको हमने जाना। आशा और उम्मीद कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। ऐसे में आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।